खास सेगमेंट खबर गर्म है का वक्त है। हमारे साथ अच्छी दमदार स्ट्रांग खबरें कौन सी हैं इस वक्त वो बताने के लिए हर रोज की तरह एक प्लेटर लेकर शरद जुड़ गए हैं। शरद बताएं खबर गर्म है इस सेगमेंट में कौन से शेयर्स लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा यूटीआई एएमसी, और यहाँ पे हमें जो है डीलर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे फंड हाउस में जो है डोमेस्टिक फंड हाउस में बाइंग स्टार्ट हुई है, और स्पेशली जो बीएफएसआई फंड्स हैं उन पे ज़्यादा बाइंग देखने मिल रही है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, स्टॉक में भी एक अच्छी मूवमेंट है। ऑफकोर्स एक न्यूज़ भी आई है कि आपका जो पीएनबी को जो है अप्रूवल आ गई है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 15% स्टेक बेचें यूटीआई एएमसी, जिसका वैल्यू लगभग 1300 करोड़ का है। लेकिन इसके अलावा भी अगर यूटीआई एएमसी को अगर हम लोग स्टडी करें तो वैल्यूएशन जो है सस्ते हैं, और इसके अलावा 12 महीने के जो रिटर्न पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा है सारे एएमसी स्टॉक्स में ब्लूमबर्ग डेटा के हिसाब से, और वॉल्यूम्स भी देखें तो 7 गुना बढ़ चुका है अपने 20 दिन के एवरेज को। तो इस स्टॉक को ज़रूर आप अपने जो है रडार में रखिएगा, क्योंकि एएमसी स्टॉक्स और जो है बीट एंड डाउन रहे हैं, और हमने जो है लास्ट वीक ही कहा था कि एएमसी स्टॉक्स में जो है खरीदारी की मौके बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक रहेगा रेलिगर इंटरप्राइजेस, और यहाँ पर जो है एक अच्छी HNI बाइंग देखने मिल रही है, और स्टॉक में भी एक अच्छा उछाल देखने मिला है। और याद रखिए ये कंपनी एक टर्न अराउंड कंपनी हो रही है, जब से जो है चेयरमैन और MD डॉक्टर रश्मि सलूजा ने बागडोग संभाली है, और इसके अलावा जो ओवरऑल लेगेसी इश्यूज चल रही है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी चल रहा है, तो इस स्टॉक पे भी जरूर आप फोकस रखिएगा। ओके ठीक है, तो ये रेलिगर एंटरप्राइजेस हो गया, साथ ही यूटीआई ईएमसी हो गया, दोनों शेयर्स को एक बार काम करते चेक की करवा लेते हैं। आप जैसे बता भी रहे थे इसमें खबर भी है, ब्रिजेश जी जरा चेक कीजिए दोनों शेयर्स रेलिगर एंटरप्राइजेस और यूटीआई ईएमसी। तो यूटीआई एएमसी की अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है, और रिसेंट स्विंग जो लो था उसका लगभग 656 से वहाँ से जो उछाल मिली है वॉल्यूम के संग में उछाल मिली है। मौजूदा स्तर पे बाइंग कर सकते हैं, कोई डिप आया तब भी बाइंग कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो मैं थोड़ा सा डीपर सपोर्ट के आपको स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 710, और पहला जो इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा वो 810-815 का रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि इसमें और पोटेंशियल है ऊपर जाने की, तो अगर किसी को एक दो हफ्ते से चार हफ्ते के लिहाज से अगर यूटीआई एएमसी होल्ड करना तो वो इस लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। 710 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट रहेगा 810, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो लगभग 900-905 का रहेगा। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई को भी रीटेस्ट कर सकता है वॉल्यूम के बेसिस पे। आई फॉरगॉट दूसरा आपका स्टॉक रेलिगर एंटरप्राइजेस था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंटरप्राइजेस सर। या तो अगर हम रेलिगर को देखें तो में जो वीक हाई है वो लगभग 191 का है, और आज का भी स्विंग अगर हाई देखें इंटरडे हाई तो 190 के आसपास का है। ट्रेंड पॉजिटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट पर अगर हम देखें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट दिया है और एक बेस फॉर्मेशन बनाया है 166 के आसपास का, वहां से इसने उछाल लिया था, और ऊपर में अगर हम देखें तो 180-182 के आसपास में इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि उसने आज ब्रेक किया है। तो अगर ये 180 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो मेरा ऐसा मानना है ये बाइंग जोन में आ जाएगा। नीचे में स्टॉप लॉस 175 का रहेगा, और जो ऊपर में आप जो टारगेट निकल के आएंगे वो लगभग 198 से 200 के रहेंगे। तो दोनों ही काउंटर रेलिगेयर एज वेल एज यूटीआई एएमसी दोनों ही बाई साइड में है। ठीक है, रेलिगेयर और साथ ही एएमसी स्टॉक्स पर इस वक्त ब्रजेश की राय।